जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो यूनिट टू की पार्ट टू और यूनिट टू इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगी। एक अनदर 16 मार्क्स क्वेश्चन की बात करेंगे हम इसके अंदर पॉइंटिंग थ्योरम की। लेकिन पॉइंटिंग थ्योरम को पढ़ने से पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर पीडीएफ अगेन इन द टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए आप लोग, आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिटेल में, वेरी वेरी डिटेल में लिखा हुआ उसमें। मैं इसको यहाँ पे जर्नल एनालिसिस से बता देता हूँ कि पी वेक्टर होता क्या है। सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं, ये एस कई बुक में एस से भी डिनोट कर देते हैं या फिर पी से भी डिनोट कर देते हैं। आप किसी से कर सकते हैं, मैं पी से करूँगा क्योंकि मेरी पी से आदत है। किताबों में एस से यूज़ किया हुआ है, तो आप एस और पी बोथ से यूज़ कर सकते हैं, दोनों को रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या सर, कि जो पी है मैं पी से कर रहा हूँ, आप एस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी जो है, जो पॉइंटिंग वेक्टर है, वो किसके इक्वल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर की आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले ली किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ, तो जो वेक्टर आता है उसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। आप इतने तो समझदार होंगे ही कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आई कंपोनेंट, आई जे और के कंपोनेंट बचे ही बचेगा, मतलब कुछ ना कुछ वेक्टर क्वांटिटी आएगी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी जो आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। क्लियर। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ऑलवेज टू द नॉर्मल, जो ई के भी नॉर्मल हो एच के भी नॉर्मल हो, ये आप क्रॉस प्रोडक्ट से जानते हो। तो अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग थ्योरम की। अब पहले हम इसमें ये नहीं बताते आपको कि पॉइंटिंग थ्योरम कहते क्या है, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन होगी कि भाई एनर्जी जो किसी भी सरफेस से पास होगी प्लस उसकी इंटरनल एनर्जी, वो उसके अंदर के वर्क डन के इक्वल आएगी। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो जाती है, इसको हम प्रूफ से करते हैं कि पॉइंटिंग थ्योरम का प्रूफ क्या है। जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल को मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ प्रूफ के साथ, ये होता है। और बी को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ म्यूनो म्यू को, ये पूरी जो पॉइंटिंग थ्योरम हम करेंगे फॉर मीडियम करेंगे भाई, किसी मीडियम के लिए हम करेंगे। इस चीज़ को भी आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है, एच वेक्टर डी टी। इस इक्वेशन को मैं पहली इक्वेशन मान लेता हूँ। दूसरी जो इक्वेशन मैं लेता हूँ, दैट इज मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, विच इज इक्वल टू मैं जे वेक्टर प्लस कर्ली डी बाई कर्ली टी। क्लियर। और इफ आई कैन राइट लाइक दिस, देन आई थिंक यू हैव नॉट एनी डाउट। इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू बोल लिया। अब अगर मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे ये मत लिख देना एच क्रॉस ई वेक्टर लिख दे, कोई जाहिल नहीं, वो आप लोग जानते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ये लिख रहे हो तो नेगेटिव का साइन लगाओ बाहर, उसको नहीं। अगर देखूं मैं तो E की किसके साथ क्रॉस होनी चाहिए, H के साथ, लेकिन इसके साथ तो कहीं भी H है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं H वेक्टर की, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं E वेक्टर की। क्लियर, समझ गए ना, इसके साथ किसकी, H वेक्टर की, इसके साथ E वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो डॉट प्रोडक्ट को आप कैसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप थोड़े से समझदार हैं और आपका मैथ तेज है तो आप समझ गए होंगे क्या है स्केलर वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये। क्लियर। म्यू एच कर्ली एच बाय डी टी, और डॉट लिया है तो यहाँ पे डॉट। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ, अब आप लोगों को ये स्टेप समझ ही नहीं आया हुआ मैंने कैसे यूज़ कर दिया, नहीं आया ना ये मैंने कैसे लिख दिया। अब इसी का आप डेरिवेशन करो किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा म्यू टू एच आगे आएगा एच वेक्टर, एक तो एक एच वेक्टर लगा लेना भाई, मैं एच वेक्टर निकाल लगाना भूल जाता हूँ कई बार, कर ली एच वेक्टर बाय कर ली टी, बाय में एक टू है, इसको इससे कैंसिल करो, तो यही इसका अगर डेरिवेशन करोगे तो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, और ये किसके इक्वल है, ये दोनों बातें आपस में इक्वल है, तो मैंने इसे इस तरीके से इसके इक्वल लिख लिया। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं इसको साफ साफ शब्दों में लिखना चाहूँ तो मैंने कुछ इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कुछ कार्रवाई की और मैंने उसे एच है ये कर ली टी, ये लिख लिया। सिमिलरली अगर आप सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे इसी तरीके से सोल्व करेंगे ई वेक्टर की रिस्पेक्ट में, तो ई आएगा क्रॉस एच वेक्टर आएगा, वो किसके इक्वल आएगा, वो भी सिमिलर आएगा जे वेक्टर इंटू ई वेक्टर, क्योंकि इसके साथ होगा फिर इसके साथ, और इसके साथ वाली चीज़ को भी मैं कैसे लिख लेता हूँ, मैं सिंपली जो है इसके साथ भी जो कंडीशन यूज होगी वो आगे लेके अपने साथ, इसके साथ तो नेगेटिव था इस वजह से नेगेटिव आया था, तो इसके साथ थोड़ी नेगेटिव दिया हुआ है, इसके साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं यूज़ नहीं है, तो एप्साइल दिया हुआ है बाय टू कर ली ई, ये समझ गए ना एप्साइल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी मीडियम के लिए इसको सोल्व कर रहा हूँ।
क्लियर। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव नहीं है, इसको समझ लेना, डेरिवेटिव फर्स्ट ही है लेकिन ई का स्क्वेयर लिया है। और ये समझ गए ना क्यों लिया, क्योंकि इसका जब सोल्व करोगे तो आपको एज इट इज वही टर्म मिल जाएगी। मैं एक स्टेप बीच में मिक्स मिस कर गया, क्लियर। मैं डायरेक्ट उसको डायरेक्ट यूज कर दिया मैंने वो स्टेप मिक्स कर दिया ताकि वीडियो लेंथ ही ना जाए, क्लियर। अगर मैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन ये जो फोर्थ सेकेंड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन मान लो, क्योंकि वो मान लेना थर्ड इक्वेशन ही, थर्ड इक्वेशन है ये, फोर्थ इक्वेशन है। अगर मैं चार में से तीसरी इक्वेशन को घटा दूं, फोर्थ इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन को घटा दूं, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्लियर। जे वेक्टर प्लस एप्साइल बाय टू कर्ली ई स्क्वेयर बाय टी, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, कर्ली एच स्क्वेयर बाई कर्ली टी। ये फोर नहीं है, ये म्यू है, क्लियर। कहीं कोई फोर सोच ले, क्लियर है इस चीज़ का। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल रिजल्ट लगता है, वो क्या होता है कि कोई भी आपके साथ अगर डेल ऑपरेटर दे रखा हो, उस डेल ऑपरेटर की आप बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, तो जो ये वैक्टर है, यहाँ वाला वैक्टर है, इसे आगे ले। इसका मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, ये यहाँ पे यूज़ करेंगे अपन, इसको मैथमेटिकल रिजल्ट है ये जो हम यूज करेंगे। इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए अंदर वाला जो भी वेक्टर बच गया उसके साथ, फिर आप क्या लगाइए, नेगेटिव साइन लगाइए, और नेगेटिव साइन लगा के जो दूसरा वेक्टर बच गया उसको बाहर लिखिए। ये आपका मैथमेटिकल रिजल्ट है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे अपने को देखो, यहाँ से अगर पी की वैल्यू अगर पुट करनी है तो ई इंटू एच आना चाहिए, इंटू एच वेक्टर आना चाहिए। और ई इंटू एच कब आ सकता है, जब ई कहाँ हो, इस साइड यहाँ पे हो, और अगर ई यहाँ आ गया तो फिर क्रॉस गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, नेगेटिव साइन यूज़ कर लेंगे इसके सामने। भाई जब हम इसे नेगेटिव कर दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो हम रिजल्ट यूज़ करते हैं, इससे डायरेक्ट इस रिजल्ट से प्रेरित होकर, इस रिजल्ट से समझकर हम इस चीज़ में, इसमें क्या यूज़ कर लेते हैं कि डेल ऑपरेटर इंटू ई वेक्टर इंटू एच वेक्टर किसके इक्वल आएगा, इसे मैंने किसके अंदर डायरेक्ट चेंज कर लिया, इस वेक्टर के अंदर चेंज कर लिया बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, क्लियर। यही थोड़ा डिफिकल्ट स्टेप है इसके अंदर, पॉइंटिंग थ्योरम के अंदर। बाकी तो कुछ नहीं, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जानते हो, ई से मल्टीप्लाई एच से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, ये तो जनरल स्टेप्स है। ये थोड़ा एक डिफिकल्ट स्टेप हो जाता है, प्लस एप्साइल बाई टू कर्ली ई स्क्वेयर बाई कर्ली टी प्लस यू बाई टू कर्ली एच स्क्वेयर बाई कर ली टी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है मेरी, पी के या एस के, मैं पी ले लेता हूं, कर ली ई स्क्वेयर बाई कर ली टी म्यू बाई टू कर ली एच स्क्वेयर बाई कर ली टी, क्लियर। अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा इसमें इसको इस वैल्यू को मैं इस साइड ले आता हूँ, इस वैल्यू को मैं इस साइड ले जाता हूँ। तो देखिएगा मैं इस चीज़ को ये से लिख सकता हूँ, इसको मैं इधर ले गया, पॉजिटिव हो जाएगी, म्यू बाय टू कर ली एच स्क्वेयर बाय कर ली, और ये दोनों किसके इक्वल आएगा, माइनस जे वेक्टर ई कैप के, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई स्टेप में प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, हो भी नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। अब अगर मैं इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आने की आशा रखते हो, इनमें से कॉमन ले लो वन बाई टू को, और तीनों साइड इस साइड दोनों साइड क्या अप्लाई कर दो, वॉल्यूम इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ डी पी वैक्टर डी वी, स्टेप है ये करना पड़ेगा आपको। हाफ आप कॉमन ले लीजिए, दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी ई स्क्वेयर प्लस म्यू नोट कर ली एच स्क्वेयर बाई डी टी, तो सेम रहेगा ना डी टी, क्लियर। और इसमें डी वी आ गया माइनस जे वेक्टर डी, अब सोल्व हो गया ये पूरी पॉइंटिंग थ्योरम। अब इसमें सिर्फ एक स्टेप बाकी होता है, वो जो स्टेप हो मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कर ली इसको जो है कर ली डी बाई डी टी, इसको भी इसमें से कॉमन ले लेंगे अगले स्टेप में। देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से क्या बनेगा, जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका इस तरीके से कुछ सोल्व होगा कि दिख रहा है ना, कर्ली पी वेक्टर ट्रिपल इंटीग्रेशन डीवी प्लस हाफ, और मैं कर्ली बाय कर्ली टी टी को भी कॉमन ले लूँगा, कर्ली वी एप्साइल ई स्क्वेयर प्लस म्यू एच स्क्वेयर
इंटू डी वी किसके इक्वल आएगा आपका, माइनस ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम जे वेक्टर ई वेक्टर डी वी के। क्लियर। अब इस टर्म पे, सिर्फ इस टर्म पे आपने वो क्या लगानी है, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इस स्टेप को अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के यूज से, तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूँ, पी वेक्टर डॉट डी एस प्लस हाफ को अगर मैं अंदर ले जाऊँगा। अब हाफ को आप ना लाएं तो बाहर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने जनरली ले आया था, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप ना लेके आए आधे को बाहर, क्योंकि अंदर तो दोबारा लेके ही जाना है। वेक्टर डीवी, इसमें किसी और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये पता है ये क्या है, आपको थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है। अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे इस चीज़ को क्या होता है, ये नहीं बताऊंगा कैसे आई है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस यूनिट वन के अंदर, कैसे ये वैल्यूज आती हैं यूनिट वन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखी तो आप ये वीडियो देखें भाई यूनिट वन की, तभी आपको समझ आएगा। क्लियर। अब इसमें मैं डायरेक्ट इसको पूरे को रिप्रेजेंट कर देता हूँ यू से, किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ यू से, इस पूरे को मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ यू से, तो पी वेक्टर डी एस किसके इक्वल। अब इसका थोड़ा रिलेशन और भी बताएंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी दोनों इक्वल होती है, क्यों होती है उसको भी हम समझाएंगे अभी आप लोगों को। तो इसको अगर मैं लिखूँ यू से, मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, तो मैं इसको अंदर ले जाऊँ यू बाई डी टी। यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी उसकी जो है कंप्लीट वॉल्यूम की जे डी वी, ये आ गई, ये जो प्रूफ है ये क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर। थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या है सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना है, वो आपको याद होना चाहिए। अब ये क्या बता रहा है समझना, अब पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम समझो क्या होती है, कि ये बता रहा है कि किसी भी कोई भी एनर्जी कितने एरिया से फ्लो कर रही है, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये टर्म बता रही है। ये टर्म अब अपने को क्या बता रही है, यू, यू मतलब टोटल एनर्जी, ये अपने को क्या बता रही है किसी सिस्टम या फिर किसी वॉल्यूम के अंदर कितनी टोटल एनर्जी है, वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो वर्क डन हुआ वो किसके इक्वल आएगा, जितनी उसकी टोटल एनर्जी थी और जितनी उसके सरफेस के अंदर से एनर्जी का फ्लो हुआ। ये थ्योरम अपने को क्या बताती है, पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम बताती है। क्लियर है, पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम अपने को क्या बताती है, हमने समझ लिया, ये पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम की लास्ट इक्वेशन रिजल्ट है। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं आगे थोड़ा एक्सटेंड करूँ फॉर द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अगर मैं इसको फोर वैक्यूम, सबसे पहले तो हम फोर वैक्यूम करते हैं, वैक्यूम में जे क्या हुआ, जीरो, मतलब ये स्टेप जीरो हो गया, कर ली पी वेक्टर डी एस सॉरी प्लस कर ली यू बाय कर ली टी प्लस डी वी इक्वल टू में जीरो। अब ये तो आ गया वैक्यूम के लिए। अब इसी स्टेप को अगर मैं इसी इक्वेशन को अब एक्सटेंड करूँ, किसके लिए एक्सटेंड करूँ, फॉर द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, टॉपिक लिखा हुआ है भाई उसके अंदर फॉर द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अगर कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो पूरी पॉइंटिंग वेक्टर का थ्योरम का प्रूफ करना पड़ेगा आपको, फिर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकलेगी। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करना होता है, इसको दोबारा से किसके अंदर इंटीग्रेशन में चेंज कर लो, बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको हम किसके अंदर चेंज कर लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन साइन तीनों के इक्वल हो जाए, इसको इसलिए हम किसके अंदर चेंज कर लेते हैं, इसके अंदर चेंज कर लेते हैं यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उस स्टेप को आप ये समझ लीजिए। क्लियर है। तो अगर मैं अब दोनों साइड से देखूं कि ये दोनों जीरो के इक्वल है, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं पूरे को, तो मेरे पास कर ली बाय कर ली टी डी वी इक्वल टू में जीरो। अब ये दोनों जीरो हो नहीं सकते, मतलब ये वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी, और इसी इक्वेशन को क्या, सॉरी प्लस कर ली यू बाय कर ली टी इक्वल टू में जीरो, इसी को क्या बोला जाता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को अगर टू मार्क्स में लिखना है तो आप इतना लिखिएगा यूजिंग पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम, अगर आपको पूरा डिटेल से लिखना है तो आपको पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ तक हमने पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम कंप्लीट होती है 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अब हम एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं, या फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी, कि एनर्जी स्टोर्ड जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यू ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टोर एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड यू एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कि ये दोनों इक्वल आएंगी, ऐसा कौन कहता है, ऐसा प्रूफ करो,
ऐसा प्रूफ पूछ लेता कई बार। तो जैसा कि आप जानते हैं यूई क्या होती है, हाफ एप्साइल नोट ई स्क्वेयर, क्लियर। और यूएम क्या होता है, यूएम क्या होता है, तो आप जानते हैं बी स्क्वेयर बाय में म्यू नोट, और बी इज इक्वल टू में है म्यू नोट एच स्क्वेयर बाय हाफ, क्योंकि म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, इसके इक्वल आ गया इक्वेशन वन इक्वेशन टू, क्लियर। इक्वेशन वन इक्वेशन टू। अब अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, अगर इफ 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 एक वर्ड लिख देना साथ में, इफ ये अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं यू एम यू ई इज इक्वल टू में यू एम, तो इस इक्वेशन को जब मैं इससे डिवाइड कर दूं, यू ई से यू एम को डिवाइड कर दूं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, मतलब वन के इक्वल, और इधर से वन बाय टू कैंसिल, तो एप्साइल ई स्क्वेयर किसके इक्वल, म्यू नोट एच के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ई स्क्वेयर बाय एच स्क्वेयर किसके इक्वल, म्यू नोट बाय एप्साइल के नोट के इक्वल, और दोनों साइड से अगर मैं रूट हटा दूँ तो ये बन जाएगा, तो ई किसके इक्वल आया, रूट म्यू नोट ई नोट बाय इक्वल टू मैच, ये किसके बीच में रिलेशन आ गया, ई और एच के बीच में रिलेशन आ गया। अब अगर इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँ, पहली इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर वन के अंदर, तो यू ई किसके इक्वल आया, हाफ एप्साइल और ई का स्क्वेयर मतलब म्यू बाय एप्साइल और इंटू एच का स्क्वेयर, और इससे ये कैंसिल, हाफ म्यू नोट म्यू को म्यू नोट ले लेना, म्यू नोट एच स्क्वेयर, और ये कैसे किसके इक्वल है बाई इक्वेशन सेकेंड, ये किसके इक्वल है, यू एम के इक्वल है। तो यहाँ से पता चल गया अपने को यू ई और यू एम इक्वल होते हैं, क्लियर, कि एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू माई एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी के साथ भाई यूनिट टू भी होती है आपकी स्मार्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में यूँ ही जिंदगी कटती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय टाटा, जय जय भारत।